हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता सारे अच्छे होंगे। सो आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो चाइनीज कंपनी ने लग्जरी कार्स की डुप्लीकेट कॉपीज बनाई है, उस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। प्लीज चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को तो पता ही है, जैसे चाइनीज कंपनी हर चीज को कॉपी करने में एक्सपर्ट होती है। वो कोई भी चीज उस चीज को कैसे भी करके उसकी डुप्लीकेट बनाई देती है। कुछ भी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज हो, कोई भी चीप से चीप चीज हो, वो हर चीज के डुप्लीकेट करने का दम रखते हैं, हर चीज का डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी टॉप 10 कार्स की, लग्जरी कार्स की, जो उन्होंने जिनकी कॉपी बनाई गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे गिली जी, जो कि चाइनीज कंपनी है। उसने एक फेमस लग्जरी ब्रांड है रोल्स रॉयस, उसकी कंपनी रोल्स रॉयस फैंटम कार आती है उसकी, उसी की कॉपी बना रही है। सबसे पहले फोटो देख लीजिए जो रोल्स रॉयस फैंटम है वो कैसी होती है। यहाँ पर जो रोल्स रॉयस है वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर तो जो कंपनी क्वालिटी देती है, बिल्ड क्वालिटी उसकी तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल नोच क्वालिटी होती है, बिल्कुल टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सब कुछ यूज करे जाते हैं उसके अंदर। उसके अंदर जो आपको कंपनी इंजन देती है वो देती है 6.5 लीटर का V12 इंजन दिया जाता है कंपनी की तरफ से। लेकिन जो चाइनीज कंपनी है जी गिली जी, जो भी जो कार है इनकी, उसकी जो कॉपी बनाई गई है उसमें, लेकिन जो कंपनी यूज करती है वो करती है V6 इंजन, 3.5 लीटर का इंजन यूज करा जाता है उसके अंदर। आप देख सकते हैं जी, मैं आपको गिली की फोटो दिखाता हूँ उसमें, जी कार की, उसमें आपको बिल्कुल सेम सब कुछ देखने मिलती है। उसकी जो फ्रंट ग्रिल है बिल्कुल सेम देखने को मिलती है, उस पर जो उसके हेडलैम्प से लगभग वैसे सेम दे रखे हैं। उसमें जो आप देख सकते हैं जो रोल्स रॉयस के अंदर आता है स्पिरिट ऑफ, उसका जो लोगो लगा होता है ऊपर हेड पर, आपको बोनेट के ऊपर देखा होगा आपने, उसके ऊपर जो लोगो लगा होता है उसका स्पिरिट ऑफ एस्टेसी, वो भी सब कुछ बिल्कुल ही डिटो कंपनी ने ऐसे अपना लोगो बना के लगा रखा है, बिल्कुल बिल्कुल डुप्लीकेट बना रखी है कार को उसके अकॉर्डिंग। अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी सेम शेप दे रखी है कंपनी की तरफ से, बिल्कुल ही बिल्कुल जो रोल्स रॉयस फैंटम की साइड प्रोफाइल लुक होती है वैसी कंपनी ने बिल्कुल डिजाइन करके छोटे साइज की बना रखी है। लेकिन साइज सेम नहीं, गाड़ी का साइज छोटा है, लेकिन जो साइड प्रोफाइल देख सकते हैं बिल्कुल सेम देखिए, सेम ही हेडलाइट यूनिट बना रखी है, सब कुछ सेम बना रखा है। अगर आप इसकी लगभग टेल लैंप्स की बात करेंगे, टेल लैंप्स की जो इसका ओल्डर वर्जन आता था फैंटम का, सेम लगभग वैसे ही दे रखे हैं। जो हुड की शेप दे रखी है जिसको हम डिक्की कहते हैं, उसके भी शेप लगभग वैसे ही दे रखी है, सेम दे रखी है इस गाड़ी जैसी। ये गिली जी है, इसकी जो क्वालिटी होती है इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक होती है, लेकिन चाइनीज कंपनी में डुप्लीकेट, हम तो इसी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर गिली जी कार आती है जो कि फैंटम की कॉपी है। अब चलते हैं सेकंड नंबर की कार पर। सेकंड नंबर पर आती है हमारी BYD एसेट, ये जो बिल्कुल सी क्लास की कॉपी बना रखी, सी क्लास मर्सिडीज की आती है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, आप सबने सुना ही होगा सी क्लास के बारे में। इसकी एक कन्वर्टिबल कार आती है CLK जो कि स्पोर्ट्स कार में आती है, एक अच्छे फेमस स्पोर्ट्स मतलब जो कार एंथुसियास्ट है उनके पास मिलती है। लेकिन ये गाड़ी अब बंद हो चुकी है, अब नहीं मिलती है, CLK नहीं आती है। लेकिन जो BYD S8 थी वो कंपनी ने 2006 में अपने मोटर शो में शो करी थी, जो कि बिल्कुल ही सेम सी क्लास जैसी बना रखी है। लेकिन आप देख सकते हैं, पहले सी क्लास आपको दिखाता हूँ, सी क्लास की जो आपकी फ्रंट है उसको आप देखें आराम से एक बार। अब आपको मैं दिखाता हूँ BYD S8 के बारे में, आप देख सकते हैं जो हेडलैम्प्स है बिल्कुल ही सेम दे रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल डिटो सेम दे रखे हैं। उसके जो आगे लोगो कंपनी ने वो भी ऐसे लगा रखे हैं एग्जैक्ट। उसमें जो साइड फेंडर्स दिए गए गाड़ी के वो भी काफ़ी हद तक सेम दिए गए। लेकिन ये भी कन्वर्टेबल कार है, वो भी कन्वर्टेबल कार है, दोनों कन्वर्टेबल कार्स हैं कंपनी की। जो बैक प्रोफाइल है, लेकिन इनकी जो बैक प्रोफाइल है वो बिल्कुल मैच नहीं करती, वो बिल्कुल डिफरेंट दी गई है। लेकिन जो इसकी BYD S8 की बैक प्रोफाइल है वो मिलती है जो ओल्ड BMW Z4 आती थी उसके अकॉर्डिंग। इसके जो हेडलैम्प्स है ऐसे ही बड़े बड़े दे रखे हैं, साइज जिनका बड़ा बड़ा वो बिल्कुल सेम वैसे दे रखी है। सेकंड नंबर पे तो हमारी ये आती है गाड़ी BYD S8। अब चलते हैं थर्ड नंबर गाड़ी पे। थर्ड नंबर पर आती है हमारी K1 कार आती है, जो कि बिल्कुल मर्सिडीज की एक और कार आती है GLA, उसकी जैसे बिल्कुल सेम कॉपी बना रखी है। एक बार आप GLA देखें, GLA में जो आपको मिलता है वो मिलता है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 208 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही अच्छी कार है, बहुत एक स्पोर्टी लुक की कार दे रखी है। लेकिन जो चाइनीज कंपनी है उन्होंने बिल्कुल सेम कॉपी करके GLA की कॉपी करके एक इलेक्ट्रिक कार बना रखी है, उसका नाम है K1। आप देख सकते हैं बिल्कुल मिलती जुलती कार बना रखी है कंपनी ने, लेकिन वो बस पेट्रोल कार है, ये इलेक्ट्रिक कार है, ये फ्यूचर को देख के बना रखी है, वो परफॉर्मेंस को देख के बना रखी है गाड़ी। दोनों ही गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन वो चाइनीज कंपनी हम वो कॉपी कैस्ट करती है हर लग्जरी कार की। आप देख सकते हैं 3 कार आपको दिखा चुका हूँ, आगे अभी और कार्स दिखाऊंगा मैं आपको, देख सकते हैं। तो अब ये थर्ड नंबर की कार आपको दिखा दी, अब चलते हैं फोर्थ नंबर की कार पर। फोर्थ नंबर पर हम आती है हमारी एक और कार, उसका नाम है Zoetae SR9, जो कि बिल्कुल ही पोर्शे मकान की कॉपी कर रखी है। आप सबसे पहले आप देख लेते पोर्शे मकान की फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए,
आप ये सब चेक करके आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जो जोटे SR9 है बिल्कुल ही कंपनी ने बिल्कुल सेम बनाई हुई है गाड़ी की, बिल्कुल जो फ्रंट लुक है आप अगर दूर से देखते तो बिल्कुल ही सेम लुक थी गाड़ी, जो भी हेडलाइट्स वगैरह बिल्कुल सेम शेप की बना रखी कंपनी ने, और जो बैजिंग करने की कंपनी में भी अपनी बोनेट्स पे कर रखी है, जो हुड पे कर रखी है आगे फ्रंट में बिल्कुल सेम बैजिंग कर रखी है। ये जो कंपनी जोटे SR9 है ये 2 लीटर पेट्रोल इंजन में आती है कंपनी की तरफ से, जो 187 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है। अब चलते हैं बैक प्रोफाइल के ऊपर, आप देख सकते हैं बैक प्रोफाइल भी कंपनी ने बिल्कुल ही सेम बना रखी है। मैं आपको दोनों की पिक्चर दिखा देता हूँ एक बार, आप दोनों की पिक्चर चेक कर सकते हैं, आपको सेम देखने को मिलेगी, बिल्कुल ही सेम बना रखी है कंपनी ने। जो बैजिंग देगी है मतलब बैजिंग की प्लेसमेंट है वो भी कंपनी ने इतनी कॉपी करके बना रखी है, कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही सेम दे रखी है। सो हमारी फोर्थ नंबर पर कार आती है जोटे SR9। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर की कार पर। सो फिफ्थ नंबर पर हमारी आती है लैंडविंड X7 कार आती है, जो कि रेंज रोवर वेक की बिल्कुल ही डुप्लीकेट कॉपी बनाई गई है। आप बिल्कुल फ्रंट से देख, एक बार मैं आप रेंज रोवर देख लीजिए फ्रंट और वेक से कैसी लगती है, इसके बाद आप देख लीजिए लैंडविंड X7 कैसी लगती है फ्रंट से। कंपनी ने आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हेडलाइट्स वगैरह हैं बिल्कुल सेम प्लेसमेंट कर रखे हैं कंपनी ने, बिल्कुल सेम शेप के हेडलाइट्स बना रखे हैं, और जो बैजिंग दी गई है जैसे उस पर रेंज रोवर की बैजिंग उसकी हुड पर है, वैसी कंपनी ने लैंडविंड की जो बैजिंग दी गई है वो भी हुड पर ही दी गई है। एक बार आप बैक प्रोफाइल पर चेक कर सकते हैं, कंपनी ने बैक प्रोफाइल तो इतनी कॉपी बना रखी है दूर से बंदा पहचान ही नहीं सकता, बिल्कुल ही बिल्कुल सेम बनाई गई है। आप देख सकते हैं इसकी जो जहाँ पर रेंज रोवर की बैक पे प्लेसमेंट है, आपको मैं दिखा रहा हूँ रेंज रोवर की जो बैक पे प्लेसमेंट है वही सेम कंपनी ने अपनी मॉडल में लैंडविंड पर ही प्लेसमेंट बिल्कुल सेम दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो ये इसके जो नीचे स्पॉइलर डिफ्यूजर जिसको कहते हैं हम, वो भी कंपनी ने बिल्कुल सेम शेप का बना रखा है ताकि दूर से कोई भी बंदा पहचान ही नहीं पाए रेंज रोवर है लैंडविंड है, बिल्कुल सेम बताई गई है गाड़ी। तो ये गाड़ी हमारे फिफ्थ नंबर पर प्लेस करती है कॉपी कैट्स में। अब चलते हैं सिक्स नंबर की कार पर। तो हमारी सिक्स नंबर पर कार आती है, वो आती है सोजू ईगल कैरियर। ये एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है चाइनीज कंपनी की तरफ से, जो मैन्युफैक्चर कर रही है, इनके मोटर शो में दिखाई गई थी। बिल्कुल इसका जो फ्रंट लुक है आप देख सकते हैं बिल्कुल फरारी कैलिफोर्निया की तरह मिलता है आपको, मैं दिखा रहा हूँ फरारी कैलिफोर्निया यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रंट लुक ऐसे ही दे रखा है इन्होंने। जो यहाँ तक की लोगों की प्लेसमेंट है वो भी बिल्कुल सेम करी गई है इसकी जो अब, लेकिन जो फरारी कार्स है वो तो परफॉर्मेंस कार रहती है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रिक कार बहुत अच्छी है, ये भी इसकी जो परफॉर्मेंस रखी गई है कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार्स में वो भी बहुत अच्छी दी गई है। इसका जो बैक प्रोफाइल मिलती है वो बिल्कुल सेम वैसी मिलती है जैसे पोर्शे की कैमैन आती है, बिल्कुल सेम वहीं पर उसकी बिल्कुल सेम शेप दे रखी है, बिल्कुल फ्रंट से फरारी बना रखी है बैक से पोर्शे बना रखी है, बिल्कुल सेम पोर्शे कैमैन जैसी इसकी बैजिंग कर रखी है, बिल्कुल सेम प्लेसमेंट कर रखे हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं इसके जो लोगो बना रखे कंपनी ने बिल्कुल ही पोर्शे जैसा ही सेम डिजाइन कर रखा है अपना, उसमें बस हॉर्स बना होता है, इनमें इनका कोई फ्लैग बना हुआ बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ये हमारी सिक्स नंबर पर आती है सोजू ईगल इलेक्ट्रिक कार है, जो सिक्स नंबर पर प्लेस करती है हमारे उसमें कॉपी कैट्स में, बहुत अच्छी कार है चाइना की तरफ, चाइनीज कंपनी ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस कार बनाई हुई है। अब चलते हैं सेवंथ कार की तरफ। सो हमारे हमारी लिस्ट में सेवंथ नंबर पर आती है लिफान 330, जो कि कंपनी ने बिल्कुल मिनी कूपर इंडिया के एक छोटे लग्जरी ब्रांड हैचबैक लग्जरी ब्रांड में आता है मिनी कूपर ब्रांड, उसमें बनाई गई है उस गाड़ी की कॉपी बनाई गई है बिल्कुल सेम। लिफान जो थी गाड़ी वो 2001 से लेकर 2006 तक कंपनी ने बनाई थी, जब भी ये गाड़ी का डिज़ाइन लॉन्च हुआ था जैसे ही सबको वैसे ही पता चल गया था बिल्कुल मिनी कूपर की स्टाइल की शेप की बना रखी है ये। जब पर ये जो चाइनीज़ कार होती हैं सिर्फ यहीं पर चलती हैं, जब एक बार चाइनीज़ कंपनी ने अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करी थी जर्मनी में, लेकिन जो जर्मन कंपनी के स्टैंडर्ड था उन्होंने गवर्नमेंट ने उन्होंने उनको रोड्स पर जाने के लिए अलाउड ही नहीं करा, उन्होंने जो भी थी उनके पोर्ट्स पर ही जहाँ पे भी उनके पोर्ट्स बने हुए वहाँ पर ही गाड़ी को सारा जब्त कर लिया था और वहीं पर रखे उन्होंने चलाने, ना वो गाड़ी वापसी आ सकी ना वो जर्मनी में चली, वो गाड़ी वहीं पर ख़त्म कर दी गई है सारी सारी। ये सिर्फ चाइनीज़ जो चाइना कार्स हैं ये सिर्फ चाइना में ही चलती हैं, ये बहुत कम एक्सपोर्ट्स होती हैं कहीं भी अदर कंट्रीज़ के अंदर। जो लिफान 330 है ये बिल्कुल मिनी कूपर की कॉपी बना रखी है, आप फ्रंट से देख सकते हैं डिज़ाइन, आपको मिनी कूपर आपको दिखाता हूँ, मिनी कूपर देखते ही आपको आप आराम से बता सकते हैं कि बिल्कुल मिनी कूपर की शेप की कॉपी बना रखी है। इसकी जो बैक प्रोफाइल है वो बिल्कुल ही सेम ऐसी ही, उसका जो डिक्की है बिल्कुल ही सेम शेप की बना रखी है मिनी कूपर जैसी, लेकिन जो मिनी कूपर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही टॉप नॉच दे देती है, क्योंकि वो लग्जरी ब्रांड में आता है कंट्री ऑल वर्ल्ड वर्ल्ड में बिल्कुल ही मतलब लग्जरी टॉप नॉच क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं ये। लेकिन जो इसमें 1.3 लीटर का इंजन यूज़ कराता है लिफान 330 के अंदर, ये थोड़ी लो क्वालिटी की कार है लेकिन जो प्राइस डिफरेंस इसका बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। जो इंटीरियर में आप देख सकते हैं जो को मिनी कूपर का वो गोल्ड डैशबोर्ड बनाया जाता है बिल्कुल सर्कल शेप में, इसमें भी लिफान 330 में भी कंपनी ने ऐसे कर रखा है बिल्कुल सर्कल शेप का अपना जो वो बना रखा है डैशबोर्ड बना रखा है जहाँ पे म्यूजिक सिस्टम फिट होता है, मतलब वो बिल्कुल सेम बना रखी है कंपनी ने कॉपी। बहुत सारी अभी 3 मोर कार पड़ी हैं जो आप देखने को
मतलब इतनी मोर और कार्स हैं जो आप देख सकते हैं, कंपनी ने कैसी कॉपीराइट्स कैसी करती है, चाइनीज कंपनी बिल्कुल ही सेम बना देती है अपनी गाड़ी को। अब चलती है 8 नंबर की कार पे। सो हमारी 8 नंबर पर आती है सीएच ओथो लिथिया कार आती है, जो कि चाइनीज कंपनी ने अपनी एक इलेक्ट्रिक कार 2010 में निकाली थी, जो कि एक स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें आपको फ्रंट दे सकते हैं जो कि R8 ऑडी R8 की कॉपी बनाई गई है, जो ओल्ड जेन आती थी, ओल्ड जनरेशन उसके बारे में आती थी। आप इसका फ्रंट दे सकते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट दी गई है। फ्रंट और बैक प्रोफाइल इस गाड़ी की बिल्कुल ही डिफरेंट है कंपनी की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट बिल्कुल ही एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक कार जैसा बना रखा है, और बैक प्रोफाइल भी कंपनी ने ऐसे ही बना रखी है, बहुत ही सुंदर बना रखी है। जहाँ कंपनी ने जो भी बनाया हुआ अपनी तरफ से बहुत अच्छा बना रखा है। लेकिन जो साइड प्रोफाइल आप फेंडर देख सकते हैं, बिल्कुल ही सेम आप कंपनी ने ऑडी R8 जो ओल्ड जनरेशन आती है आप यहाँ पे देख रहे होंगे साइड में, बिल्कुल सेम वैसा ही डिजाइन दे रखे। जहाँ से कंपनी ने, जब भी ये कंपनी ने अपना शो केस करी थी, लोगों ने उसी टाइम कह दिया था कि ओडी R8 की कॉपी बना रखी है। लेकिन ये जो है ऑटो लिथिया है, सीएच ऑटो लिथिया, जो भी इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक कार है। लेकिन जो अपनी ओडी R8 आती है उसमें जब मिलते सिर्फ आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, और V8 इंजन और V10 इंजन मिलता है। सो ये हमारी 8 नंबर की जो कार है सीएच ऑटो लिथिया, वो R8 की कॉपी बनाई है। अब चलते हैं 9th नंबर की कार पर। सो हमारी 9th नंबर पर कार आती है बाइक BJ80 आती है, जो कि कंपनी ने बिल्कुल एक मर्सिडीज की फेमस गाड़ी है, जो कि सबसे मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव कार में से मर्सिडीज की आती है, जो कि मर्सिडीज G-Wagon क्लास, जी क्लास जिसको कहते हैं लोग, इसके तो लोग वैसे ही अलग से दीवाने हैं। लेकिन कंपनी ने बाइक BJ80 निकाल रखी है, जो कि कंपनी चाइनीज कंपनी ने बिल्कुल सेम कॉपी बना रखी है। आप फ्रंट देख सकते हैं G-Wagon का, एक बार यहाँ पर आपको फ्रंट देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम आप देख सकते हैं बाइक BJ80 ने अपने गाड़ी का बिल्कुल सेम फ्रंट बना रखा है। यहाँ पर जो बाइक BJ80 आता है वहाँ पर उसमें 2.8 लीटर का डीजल इंजन आता है और 2.3 लीटर का पेट्रोल इंजन अवेलेबल है आपको। लेकिन जो G-Wagon आती है उसमें आपको 3000 cc का आपको मिलता है डीजल इंजन मिलता है, और 4000 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है। लेकिन जो G-Wagon, इसकी जो G-Wagon की तो इंडिया में प्राइस पड़ता है अराउंड, वो पड़ता है 2.5 करोड़ के अराउंड पड़ता है। लेकिन जो बैक प्रोफाइल की तरफ चलते हैं हम गाड़ी की, दोनों आप बिल्कुल सही सकते हैं। G-Wagon में भी जो इसका एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील दे रखी है कंपनी के हुड, मतलब जो डिक्की है उसके पीछे ही अटैच कर रखा है कंपनी ने, बिल्कुल बाइक कंपनी ने बिल्कुल सेम कर रखी है, बिल्कुल ही सेम कॉपी कर रखी है, वही स्पेयर व्हील वैसी प्लेसमेंट करके, वैसी कंपनी की बैजिंग कर रखी है मर्सिडीज के ऊपर, जो स्पेयर व्हील के कवर करता है उसके ऊपर कंपनी ने अपनी बाइक की बैजिंग वैसी सेम कर रखी है। चाइनीज कंपनी इतनी सही, मतलब बिल्कुल परफेक्ट कॉपी करते हैं ताकि किसी को पता नहीं चल सके दूर से कौन सी कार आ रखी है। सो हमारी 9th नंबर पर आती है बाइक BJ80, जो कि मर्सिडीज G-Wagon की कॉपी बना रखी है। सो हमारी लास्ट कार जो कि 10th नंबर पर कार आती है, वो आती है डब्ल्यू ऑटो, जो बिल्कुल लंबोर्गिनी डब्ल्यू की कॉपी बना रखी है। आप एक बार डब्ल्यू की कॉपी यहाँ पे फोटो चेक कर लीजिए, कैसे एक स्पोर्ट्स कार बना रखी है, ओल्ड स्पोर्ट्स कार है, मतलब अभी नहीं आती गाड़ी कंपनी ने, लेकिन जो लंबोर्गिनी ने बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कार बना रखी है। उस टाइम पे भी आप चेक कर सकते हैं, उस टाइम भी इस गाड़ी के अंदर V12 इंजन आता था। अब बात है गाड़ी के अंदर V12, उस टाइम भी इस गाड़ी के अंदर V12 था, जो कि 575 की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। अब यहाँ पे फ्रंट देखिए कैसे बिल्कुल अच्छा डिजाइन रखा है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ डब्ल्यू ऑटो की पिक दिखाता हूँ, जो बिल्कुल कंपनी ने बिल्कुल सेम बना रखी है। वहीं पर आपको हेडलाइट्स की प्लेसमेंट कर रखी है, वहीं पर आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट कर रखी है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ, जहाँ पर आपको डब्ल्यू के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको 4 एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, सर्कुलर एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, और सर्कल शेप की आपको टेल लैंप्स देखने को मिलती है, 4 सर्कुलर टेल लैंप्स मिली है बिल्कुल, और साइड आपको सीसर डोर मिलते हैं कंपनी की तरफ से जो डब्ल्यू मिलते हैं। लेकिन जो डब्ल्यू ऑटो की है चाइनीज कॉपी कार है, जो उसमें आपको देखने को मिलता है बिल्कुल बीच में मिडल में आपको ट्विन सर्कल एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, और जो हेडलाइट्स है, ओ सॉरी टेल लाइट्स हैं, बिल्कुल सेम कंपनी कॉपी करके बना रखी है, सर्कुलर शेप में बना रखी हैं। इसमें इसका अभी इंजन स्पेसिफिकेशन है, बिकॉज ये किसी कंपनी के ऊपर किसी इंजन से लिया गया था उसके ऊपर बनाई गई है। जो चाइनीज कंपनीज हैं इसके अंदर क्या आता है, चाइना में अंदर कोई भी गाड़ी की आप कॉपी बना सकते हैं, आपको कॉपी राइट का इशू नहीं आता चाइनीज अगर वो जब तक चाइना के अंदर ही चलती हैं गाड़ियाँ। मतलब मैंने कोई भी मतलब हमारी की इंडियन मैनुफैक्चरिंग कोई भी कार है वो सेम चाइनीज में कॉपी करते हैं, लेकिन इंडिया वाले क्लेम नहीं कर सकते उसका चाइनीज कॉपी राइट के ऊपर, वो क्योंकि चाइना के अंदर ये कोई रूल ही नहीं है, क्योंकि चाइनीज का सिर्फ चाइना में अगर चलती हैं तो उसमें कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते। अगर वो जब भी एक्सपोर्ट करेंगे, अगर किसी अदर कंट्रीज के अंदर जाएंगी वो गाड़ियाँ, अगर जर्मनी जाती है आउट ऑफ मतलब इन द वर्ल्ड कहीं भी जाती एक्सपोर्ट होगी चाइनीज कंपनी, वहाँ जाकर क्लेम कर सकते हैं, वहाँ पर उनके कॉपीराइट इशू आते हैं। इसी वजह से वो जो मैं आपको बता रहा था Lifan 330 के अंदर ऐसी ही जो गाड़ी थी वो बाहर गई थी, जर्मनी में गई थी, लेकिन वहाँ उसके जो पोर्ट्स हैं उसके ऊपर रोक लिया गया था, उसको वहाँ पर जब्त कर लिया था और गाड़ी को ना जाने दिया ना वापसी एक्सपोर्ट में, वह गाड़ी वहीं खड़े खड़े सारी ख़राब कर दी गई थी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, जर्मनी गवर्नमेंट की तरफ से। इस तो आज आपने इस वीडियो में देख ही लोगों कैसे चाइनीज़ कंपनी कितनी परफेक्ट है कॉपी करने में, कोई भी चीज़ बनानी बिल्कुल सेम बनाने
बना सकते हो किसी भी चीज को। सो आज आपने देख लिया 10 कॉपी कैट स्कार फ्रॉम चाइना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।